हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज़ द 22nd डे ऑफ द 90 डे नेचुरल फिटनेस चैलेंज। सो आप बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था कहीं ट्रिप पे, एंड उसकी वजह से लो कनेक्टिविटी थी। एंड अब वीडियोज नहीं चल रही थी। सो इस वीडियो से अब हम ट्राई करेंगे कि हम बैडमिंटन साइड पर वर्कआउट करें, वहीं पर वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि सिर्फ वेट 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 मार के मुझे लगा नहीं ज़्यादा हम वेट लूज़ भी कर पाएंगे, एंड उसके बाद साथ साथ हम स्ट्रेंथ भी बढ़ सकते हैं। मुझे एक मोर ऑफ अ स्पोर्ट्समैन फिजिक का लगता है कि उसमें आप कुछ फिजिक यूज भी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने करे पुशअप्स, एंड जैसा आप लोग जानते हैं अभी तक कम्प्लीट हो चुके हैं कि सेकंड सेट या थर्ड सेट हम हमेशा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड सेट का 55 पुशअप्स किए थे, राउंड अबाउट 20-25 रेप्स का ही सेट होगा। उसके साथ मैंने फिर स्क्वाट्स करे थे, उसके बाद मैंने नाउ एक प्लान बनाया कि हम 6 दिन में 6 बॉडी पार्ट के वर्कआउट करें, विच इज़ 1 day each। सो इस दिन मैंने ऑन द 22nd डे मैंने करा शोल्डर वर्कआउट। इस दिन मैंने किया था शोल्डर वर्कआउट। ये स्क्वाट्स भी मैंने सेट 60 मारे हुए टोटल, 30-30 के 2 reps थे, 2 sets थे, 25-30 के बाद सेट हुई। एंड अगेन आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत तगड़े होंगे, बहुत खुश होंगे। काफ़ी दिनों से कनेक्ट नहीं कर पाया तो उसके लिए खेद है, बट हाँ आप कंटिन्यू आती रहेंगी वीडियोस। अगर कोई फॉर्मेट में चेंज हो या आप लोगों की साइड से कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, राइट। मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए, फीडबैक के लिए, ताकि मैं वीडियोस को बेटर कर सकूँ, सुधार सकूँ। सो ये डंबल इसको आर्मर प्रेस जैसे आप लोग जानते हैं मैंने करी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ फेलियर सेट्स मारने की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर निकलेंगे तो ही मसल ग्रोथ होगी। एंड देन पहले एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक लालच होता है खेलने का। तो अगर खेल लो तो पहले तो आप एनर्जी ड्रेन कर लोगे, एंड दूसरा जो एक वेट में एनर्जी आप लगा सकते थे वो नहीं लगेगी। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप वेट पहले कर लेते हैं तो खेलने के टाइम पर आपका चाहे हाथ नहीं भी चल रहा हो, बट यू पुश योर बॉडी बिकॉज आप चाहते हैं, वो विलिंगली चाहते हैं। दिस इज़ वॉट हैपन्स एंड दिस इज़ वॉट साइकोलॉजी कोर्स इसको करने की। देन फ्रंट रेजेस, ये 5-5 के ही डंबल लिए हैं मैंने फ्रंट रेजेस के लिए, क्योंकि मुझे लगा कंट्रोल फ्रंट रेजेस ज़्यादा बेटर है, टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा बेटर मुझे हेल्प करेगा, अदर टाइम कि मैं एक हैवी वेट उठा लूँ उसको कंट्रोल ना कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 20-25 जितने में से रेप्स निकले थे लिए थे, ये तीसरा सेट था, 3-3 सेट मारे थे मैंने इसमें, एंड ये लास्ट सेट था मेरा हर एक एक्सरसाइज का लास्ट में सेट मेरे को। सो आई गेस 15 रेप्स मैंने निकाले होंगे, 15 या 20, आई एम नॉट श्योर। आप लोग काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बहुत गाइस फटीक हो जाती है, बहुत बर्न हो जाता है हाथ इसमें। और साइड रेजेस मारे थे, शोल्डर की 3 एक्सरसाइज करी हूँ, 3 से 4 एक्सरसाइज मारने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑल्टरनेट डे पे चलाएंगे, जैसे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे पे हम चलाएंगे काफ्स या फिर फोरआर्म, और उनके साथ चलाएंगे साइड्स या फिर एब्स। सो ये रूटीन रहेगा, बॉडी वेट एक्सरसाइज, वेटेड एक्सरसाइज, उसके बाद साइड या एब्स के लिए एक्सरसाइज, और फोरआर्म्स और काफ्स में से एक एक्सरसाइज। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई अच्छी एक्सरसाइजेज हो काफ्स की, फोरआर्म्स की, एब्स की, या साइड्स की, या और कोई बॉडी पार्ट की, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको ट्राई करूँगा। बस ये एक शोल्डर का बड़ा ही बर्निंग वर्कआउट में एज अ लास्ट फिनिशर वर्कआउट मुझे। सो ये मैंने इंस्टाग्राम से देखा था, जस्ट इसको रॉड को उठा के देन यू कंट्रोल इट लेफ्ट एंड राइट। ये बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट, अगर आपके हाथ भरे हुए हैं सो फटीक बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड उसके बाद इसको कंट्रोल्ड लेफ्ट राइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कभी ट्राई करिएगा, मुझे बताइए कैसा लगा। हाथ भर गए थे तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि मुझे उसके बाद बैडमिंटन भी खेलना था। एंड आप कितने ही थके हुए हो आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपके भरोसे पर बैठा हुआ है। 75-75 साइड्स मारी थी मैंने, अभी मैंने इसमें पूरी वीडियो नहीं डाली हुई क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो। मैंने 4-4 5-5 रेप्स एक साइड और 4-4 5-5 रेप्स एक साइड, जैसा भी आपने देखा होगा वीडियो कट के देखा। सो शुरू के 5 और लास्ट के 5 रेप्स मैंने दिखाया। नाउ उसके बाद अब मैं फोरआर्म्स करूँगा, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रिस्ट और फोरआर्म्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्राई करें तो मुझे बताइएगा। इसके बाद फिर गेम्स चालू हो जाएंगी, तो आई बिलीव आप गेम्स एंजॉय करें, एंड
गेम्स इन्जॉय करके आप जब तक देखना चाहें आप देख सकते हैं, एंड नहीं देखना चाहें देख सकते हैं, किसी को नहीं एंथुजियास्ट होता है कोई गेम का, ठीक है। बट बैडमिंटन इज़ अगेन अ वेरी गुड गेम, बहुत मज़ेदार गेम है, स्पीड के लिए, स्टैमिना के लिए, पावर के लिए, एजिलिटी के लिए, फोकस के लिए बहुत अच्छा गेम है। तो आप हमेशा ट्राई करें, आप खेले कोई ना कोई स्पोर्ट्स, खेले वॉलीबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, बट एक स्पोर्ट्स हमेशा लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज वेट आई बिलीव कि शायद एक एज के बाद ना लेंगे, बट स्पोर्ट्स जो है आपको एक लंबा चला, मुझे आई बिलीव होती है कि आपको जीने की वजह होनी चाहिए हमेशा, ताकि आप वो काम के लिए आगे जा सको, अपना काम कर सको। सो दिस इज़ वन ऑफ द इक गाइज आई हैव विच मेक्स मी राइट। सो दिस वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आज तक बने रहने के लिए एंड आगे भी बने रहने के लिए। एंड कोई रिकमेंडेशन हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं हमेशा ही फॉलो करता हूँ आप लोगों को कमेंट्स के लिए, एंड उनको कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट भी करने की वीडियो में राइट। जय श्री राम, खुश रहिए, तगड़े रहिए, बड़ों को मार खाते रहिए, छोटों से प्यार करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, जय श्री राम।